दरिद्रता में ये चले गए तो ईसाई मिशनरियों ने इनका फायदा उठाया, अनाज के बदले धर्मांतरण करवाया। ठीक, अच्छा ये और तेज कब हो गया? जब बंगाल में अकाल पड़ा, है ना। बंगाल में जब बहुत भीषण अकाल पड़ा, ये कब की बात है? जब ये अभी बंगाल जो है ना, ये आज जो आप बंगाल राज्य देखते हो ये नहीं, बंगाल उस समय प्रांत था। बंगाल प्रांत का मतलब ये है कि बिहार भी बंगाल प्रांत में शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था, झारखंड भी शामिल था, ये उस बंगाल प्रांत की बात हो रही है। तो बंगाल में बहुत भीषण अकाल पड़ा और इसी समय, यही समय क्रिश्चियन मिशनरियों के लिए गोल्डन समय था। इन्होंने टारगेट किया कि ये जनजाति अत्यधिक पीड़ित है, दरिद्रता में जी रही है, तो थोड़े से अनाज का लालच देते थे और ईसाई धर्म में धर्मांतरण करा लेते थे। तो एक प्रश्न यदि कभी बन जाए कि कौन सी जनजाति ईसाई, मतलब ये हिंदू भी है ईसाई भी है ना, दो समूह है इसमें, हिंदू उराव भी हैं और ईसाई उराव भी हैं, तो कौन सी जनजाति जो है वो ईसाई ईसाई धर्म में परिवर्तित हुई है सर्वाधिक? उराव। ठीक, और ईसाइयों में भी दो वर्ग होते हैं, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक। तो ये उराव जो है वो सर्वाधिक किस में परिवर्तित हो गए? कैथोलिक ईसाई, कैथोलिक। चर्च अलग अलग होता है ना, ईसाइयों में भी दो समुदाय है, प्रोटेस्टेंट उनका चर्च अलग होता है, कैथोलिक चर्च अलग होता है। ये हो गया। तो इनकी उत्पत्ति कहां से, ये उत्पत्ति हुई पलायन करके आए, ये विषय हुआ। ठीक, अच्छा कभी पूछ दे कि उराव का सर्वाधिक संकेंद्रण कहां है, तो सरगुजा संभाग में, एक प्रश्न बन जाएगा। जनजातियों में सर्वाधिक धर्मांतरण हुआ है ये बात तय है, लेकिन इनकी दरिद्रता इसका कारण थी, और भूखे मर जाने से तो अच्छा है ना, कोई अन्न दे रहा है तो धर्मांतरण कर लें, जीवित तो रहेंगे। क्योंकि जो हिंदू धर्म का ठेका लिए जो फिरते हैं, वो जब कोई दरिद्रता में मर रहा होता है तब उसको रोटी देने तो नहीं जाते, है ना। लेकिन धर्मांतरण को एक मुद्दा जरूर बना लेते हैं, राजनीति का और अपने स्वार्थ का। जैसे आजकल धीरेन्द्र शास्त्री एक पैदा हुए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री एक प्रवचन करने का 50 लाख रेट है उनका, और आजकल जैसे ही वो मानव है ना, क्या मानव है जो पुणे का एक संगठन है, चैलेंज किया कि अंधविश्वासी लोगों को धर्म आस्था के नाम पर मूर्ख बना के कमाई कर रहा है, तो वहां से भाग खड़ा हुआ, जाएगा भी नहीं, कभी नहीं जाएगा। इसने एक दूसरा आड़ ले लिया कि मैं हिंदुओं की घर वापसी करा रहा हूँ, जो भी ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए उन्हें वापस करा रहा हूँ। और हमारे देश में आप माहौल तो देख ही रहे हो, कैसा माहौल है ना, भूखे पेट मर जाओ, महंगाई तुम्हारा कमर तोड़ दे, जैसे ही सवाल पूछोगे क्या आएगा, राम मंदिर, तुरंत शिफ्ट कर देंगे, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है ना। अब मेरे को ये नहीं समझ में आता, मुझे तो ये लगता है कि राम जो है खुद वहां बैठे बैठे वो खूब गरियाते होंगे, इस साले कितने चांडाल हैं मानव नीचे, यहां मेरा नाम लेकर एक तो व्यापार कर रहे हैं, दूसरा अपनी विफलताओं को, महंगाई को, रोजगार नहीं दिया, सारे वादे झूठे झूठे वादे करते हैं, हर रोज झूठ बोलते हैं, मेरा नाम लेकर बोलते हैं, पहले मेरा नाम लेंगे उसके बाद सारी 420 झूठ और मक्कारी करेंगे, और कुछ यहां पैदा हो गए हैं जो मेरे से कनेक्शन है बताते हैं, मुझसे नहीं तो कुछ लोग मुझसे नहीं, मेरे को छोड़ के तो मेरे पूरी हनुमान से कनेक्शन बता देते हैं, बातचीत हो रही है उनकी हनुमान से, है ना। और ऐसे धर्म धार्मिक व्यापार कर रहे हैं, 50 लाख कमाता है, करोड़ों अरबों की संपत्ति बना चुका है, क्यों नहीं जाता और उन आदिवासी जो गरीब और जो दरिद्रता में जी रहे हैं, क्यों नहीं जाके उनकी मदद करता, बैल देता, उनको खाना देता, उनको जमीन देता, उनके बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था करता, तो क्यों होंगे वो कन्वर्ट, क्यों होंगे ईसाई बनेंगे वो, है ना। धर्म तुमको खाना नहीं देता, हाँ धर्म के नाम पर कुछ लोग जरूर रोज घी खाते हैं, लेकिन धर्म से आम व्यक्ति को खाना नहीं मिलता है। आम व्यक्ति जब रोज कमाएगा, मेहनत करेगा, तो रोटी मिलेगी। अरे यार ये मुद्दे पे गर्म हो जाता हूँ मैं।